हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी 4:10 पे। रात में ड्यूटी से आते ही सो गई क्योंकि सर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि बाम लगाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि इसके पीछे यही रीजन था कि मैंने पूरे दिन पानी ही नहीं पिया था। सुबह बस गर्म पानी पिया था उठते ही, उसके बाद मुझे पानी पीने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ड्यूटी भाग गई और फिर पूरे दिन काम में बिजी रही। उसके बाद ड्यूटी से मैं शाम को 4-5 बजे के करीब आई हूँ ड्यूटी से। उस बीच मुझे ना पानी दिखा ना पीने का मन हुआ, या काम में बिजी रही तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि प्यास भी लग रही है। लेकिन जब वापस आने के लिए मैं ऑटो में बैठ ही रही थी तब से ही मेरा हेडेक स्टार्ट हुआ और इतना ज़्यादा तेज हो रहा था। तब तक मैं समझ ही नहीं पाई कि आज पता नहीं क्या हो रहा है, इतना क्यों पेन हो रहा है सर में। जैसे बहुत ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि मैं स्क्रीन पे काम करूँ या लंबे टाइम तक ऑनलाइन क्लास करूँ, उसकी वजह से भी सर में दर्द हो जाता है। लेकिन आज वैसा कुछ काम था नहीं। आज जैसे सेंटर पे आर आई वगैरह था, मतलब ज़्यादातर मरीजों को ही देखा है और सब प्रेग्नेंट औरतें और बच्चों को इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, तो कम से कम ही मैंने स्क्रीन पे किया है, तो वो कोई रीज़न नहीं हो सकता मेरे सर में दर्द का। लेकिन वो बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो आज पानी बहुत ज़्यादा कम ही पिया है, तभी मैं रात को बाम लगा के सोई थी। बहुत ज़्यादा देर तक मैंने कोशिश करी कि ऐसे ही ठीक हो जाए, या बाम लगा के 1-2 घंटे रेस्ट भी कर लिया, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर थोड़े से दुपट्टे से बांध लिया मैंने बाम लगाने के बाद, फिर अचानक कब नींद आ गई तब पता ही नहीं चला। लेकिन आते ही मैंने बहुत ही ज़्यादा पानी पी लिया था, 1-1.5 लीटर एक साथ मैंने पानी पी लिया था, क्योंकि घर पहुंचने तक मुझे पता लग गया था कि मैंने पानी नहीं पिया है इसीलिए मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर अभी सुबह तो बहुत ही ज़्यादा मूड फ्रेश लग रहा है, उठते ही मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी है। उसके बाद पिया है मैंने दूध जिसमें डाला है मैंने काजू बादाम और किशमिश। अब रात को मैं बिल्कुल भी नहीं भिगोती क्योंकि एक तो मुझे याद भी नहीं रहता और दूसरी बात मुझे अच्छा भी नहीं लगता भिगो के खाना, ऐसे ड्राई ड्राई सा ही रहता है। मतलब दूध में डालते ही बहुत ज़्यादा नहीं सोक करता है, जब तक दूध पीती हूँ उतना ज़्यादा सोक नहीं हुआ होता है तो तक मुझे अच्छा लगता है, तो ऐसे ही मैं दूध में डाल के ही पी लेती हूँ अभी तो। और कल पानी नहीं पीने की वजह से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी तो मैंने सोच लिया था रात ही कि अब तो अलार्म लगा लिया करूँगी, और ठंड आ रही है तो कम से कम पानी पीने का मन करेगा, इसलिए अलार्म लगा लूँगी तो हमेशा याद रहेगा कि अब मुझे पानी पीना है। क्योंकि कई बार काम के वजह से और बिजी रहने के वजह से सच में नहीं याद आता है कि पानी भी पीना। ये बहुत अजीब बात है कि पानी प्यास लगेगी तो जो इंसान पी सकता है, लेकिन इतनी बिजी रहती हूँ सेंटर जाने के बाद भी मेरी याद ही नहीं रहता है। मैं बनाऊंगी अपने लिए खाना फिर। आज तो मैं खाने में कुछ अच्छा ही बनाने की सोच रही हूँ क्योंकि नॉर्मली जब ड्यूटी रहती है तब जल्दी जल्दी जो बन पाता है वो बना लेती हूँ, क्योंकि वर्किंग डेज में मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। सारे काम के लिए मैंने टाइम डिवाइड किया होता है और उस टाइम के अंदर ही सारा काम निपटाना होता है। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ड्यूटी का जो 6-7 घंटे होते हैं वो बच जाते हैं, और 1-2 घंटे बोल सकते हैं कि जो मेरे रेडी होने का होता है, तो मेरे पास 7-8 घंटे तो होते ही हैं। उस टाइम को मैं यूटिलाइज करने के लिए कुछ अच्छा खाने को बना लेती हूँ, और दूसरा थोड़ी देर सो लेती हूँ, और तीसरा है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड जो भी काम होता है उसे कम्प्लीट कर लेती हूँ। और तो छुट्टी वाले दिन को मैं किसी तरह से यूटिलाइज कर नहीं सकती, यहाँ पे आसपास ऐसा कुछ घूमने की जगह भी नहीं है और अकेले भी मैं कहाँ ही जाऊँगी घूमने के लिए। इसलिए छुट्टी वाले दिन कुछ अच्छा बनाओ खाओ, पूरा दिन ही मस्त रहेगा। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ दाल चावल बैंगन का भाजा और ऑमलेट, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये आज का खाना। दाल में मैं बहुत सारी दालें मिला के एक साथ बनाती हूँ हमेशा ही। इसमें है चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और अरहर दाल। सबसे पहले प्याज मिर्च जीरा और टमाटर का छौंक लगाया है, उसमें सारे मसाले डाले हैं, फिर दाल डाली है। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें पानी डाल दूंगी, फिर ढक्कन लगाने के बाद 2-3 सीटी का वेट करना है। हमारी दाल तैयार है, उसके बाद हमें छौंक लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी मैं बैंगन काट रही हूँ इसके पकौड़े बोले तो भंजा बनाने के लिए। ये बैंगन आंटी के घर पे हो रहा था, मतलब वहाँ पे उन्होंने पौधा लगाया है, वहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, तो वहीं से लेके आई थी मैं। लेकिन एक बात है, जब से मेरी जॉब हुई है, मतलब कम्युनिटी लेवल पे है मेरी जॉब, तो मुझे बहुत ही शुद्ध और बिना मिलावट वाली चीज़ें खाने को मिल जाती हैं, जैसे घिया या लौकी वगैरह भी कभी कभी
भी मैं खेत से ही खरीद के लाती हूँ, या बैंगन हो गया, भिंडी, या फिर कद्दू, टमाटर, धनिया, पालक, ये सब खेत से ही मिल जाता है मुझे। तो इसका फायदा है मेरे को कि सारी शुद्ध चीजें मेरे को खाने को मिल रही है यहाँ पे। मैं अभी बना रही हूँ बैंगन के पकौड़े। सबसे पहले बैंगन को गोल गोल काट लिया है, आपकी मर्जी, आप किसी भी शेप में काट सकते हो। फिर बेसन लिया है, उसमें सारे मसाले डाले हैं, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा चिकन मसाला, नमक, और ये सारे का पेस्ट बनाया है। उसके बाद बैंगन में लपेटने के बाद तेल में फ्राई किया है। ये देखो मेरा खाना कितनी जल्दी रेडी हो गया है। सबसे पहले मैंने दाल, चावल, सैलेड और पापड़ को सर्व किया है, उसके बाद मैंने ऑमलेट बनाया था, क्योंकि गरम गरम तो स्वाद ही आ जाता है खाने का। इतना सारा बनाने के बाद ये दाल तो थोड़ी ठंडी हो गई है, चावल गरम है, और पकौड़े और ऑमलेट मैंने अभी अभी बनाया है, तो खाने में बहुत ही ज्यादा मजा ही आ गया आज तो। खाना बनाने बनाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो अभी इसके बाद मुझे बस पोछा लगाना है और करूंगी थोड़ी देर रेस्ट, मतलब थोड़ी देर की नींद तो लूंगी जरूर। खाते ही नींद भी बहुत ज्यादा आती है, वो भी इसलिए क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी डाइजेशन प्रोसेस में लग जाती है, इसलिए हम बहुत ज्यादा थका फील करते हैं और नींद भी बहुत ज्यादा आती है। फिर 1-2 घंटे की नींद लेने के बाद उठ गई हूँ मैं। उठने के बाद मैंने नहा लिया है, पूरे अपने कपड़े डाल दिए हैं रस्सियों के ऊपर। फिर अभी मैं दिखाऊंगी भगवान जी को आरती। और एक बात कि खाने के जस्ट बाद कभी भी नहीं सोना चाहिए। मैं इतना ज्यादा हैवी फील कर रही हूँ ना अभी, मतलब ऐसा लग रहा है कि रात को मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगी। फिर भगवान जी को आरती दिखाने के बाद मैं बैठ गई हूँ टारगेट हाई की बुक सॉल्व करने, क्योंकि 19 दिसंबर को जो मेरा पेपर है उससे पहले मुझे ये बुक क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। मतलब पूरे तो नहीं हो पाएंगे, मुझे लग तो नहीं रहा, क्योंकि 19 दिसंबर अब ज्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन जितना मैं कर पाऊंगी उतना करूंगी जरूर। एक बार कंटिन्यूटी बन जाती है उसके बाद टूटती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है, क्योंकि चाहे आप मेंटली कितने भी स्टेबल हो या स्ट्रांग हो, फिर से रूटीन स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं पीऊंगी दूध, क्योंकि खाने का तो बिल्कुल मन है नहीं। दिन में बहुत ही ज्यादा हैवी हो गया था, फ्लो फ्लो में मैंने बनाया था और गरम गरम अच्छा लग रहा था, तो बहुत ही ज्यादा खा लिया है। और दूसरी गलती ये करी कि खाते ही सो गई, तो वो और ज्यादा ब्लोटिंग सा फील हो रहा है मेरे को। तो अभी मैं दूध पीऊंगी और थोड़ी देर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और फिर सोऊंगी। बल्कि कहते हैं कि दूध को गुड़ के साथ पीने से बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब हमारे डाइजेशन के लिए, या फिर बहुत ही ज्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहा है, दूध को ना गुड़ के साथ पियो तो बहुत ही ज्यादा रिलीफ होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे लोगों से मैंने सुना भी है कि सच में हो जाता है कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग वगैरह से रिलीफ। लेकिन अभी गुड़ तो है नहीं मेरे पास, तो बस दूध ही पी लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा।